हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आई एम शेफ कृष्णा और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक यमी डिलीशियस रेसिपी। एक डिफरेंट रेसिपी है फ्रेंड्स और ये बहुत हेल्दी भी है। इस समय बिल्कुल बनाइएगा इसे, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा और न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, हम हमेशा लाते हैं आपके लिए यमी डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी जो कि आपको इनमें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। हम लाते हैं हमेशा आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यमी डिलीशियस रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए मलाई मशरूम। नाम से ही मुँह में पानी आ गया होगा, आप देख सकते हैं कितना यमी है, क्रीमी है और बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे ये यमी डिलीशियस मलाई मशरूम। और इसे आप खाइए रोटी के साथ, नान के साथ, पूड़ियों के साथ, बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। राइस के साथ भी आप खा सकते हैं, उसके साथ भी यमी होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैजिक किचन हमेशा लाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए मैजिकल रेसिपीज। बने रहें मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ और जगाते रहें स्वाद का जादू। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल फॉर मोर वीडियोस। शुरू करते हैं। हमने ले लिया है ऑयल, ऐड कर दिया बे लीव्स, ऐड कर दिया ग्रीन कार्डमम, एक बड़ी इलायची, दो सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा। खड़े मसाले हैं ये, चटकने देंगे। ये हमने लिया है मशरूम, ग्रीन वेल पेपर और टोमेटो। ऐड कर देंगे ग्रीन वेल पेपर, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट किए हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए खड़े मसालों के साथ में। मसालों की खुशबू आने लगी है, बेहद स्वादिष्ट होता है ये मसाले। ऐड कर देंगे जिंजर, 1 इंच टुकड़ा जिंजर हमने बारीक चॉप किया था उसको हमने ऐड कर दिया। इनके साथ कर लेंगे फ्राई। फ्रेंड्स, शिमला मिर्च और खड़े मसालों की खुशबू से रसोई महक रही है, सो जरूर बनाइए इस तरह से। आप जब इनको फ्राई करते हैं तो इसकी खुशबू भूख बढ़ा देती है। ऐड कर देंगे टोमेटो, 2 मिनट हमने फ्राई किया है, अब ऐड कर रहे हैं टोमेटो। ये हमने 2 टोमेटो लिया है जिसको हमने इस तरह से रफली चॉप किया है, इसको भी हम कर लेंगे 2 मिनट के लिए फ्राई। ऐड कर देंगे सॉल्ट, सॉल्ट ऐड करने के बाद भी हम 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद ये तेजी से गलने लगते हैं टोमेटो, बहुत ज्यादा नहीं गलाना है, बट यस गलाना है इसको। तो देखिए इसको हम 2 मिनट और पका रहे हैं जिससे ये टोमेटो गल जाए। ऐड कर देंगे यहाँ पे देगी लाल मिर्च, ये हम 1.5 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। ऐड कर देंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये भुना गरम मसाला, इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब ऐड कर देंगे हम यहाँ पे क्रीम और दूध, ये हम ऐड कर रहे हैं 250 ml क्रीम और दूध, इसका मिक्सचर हम ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो सिर्फ दूध भी ऐड कर सकते हैं, ये थिक क्रीम वाला दूध है। और जैसे इसमें उबाल आता है हम ऐड कर देंगे इसमें मशरूम। मशरूम को हम पतले पतले स्लाइस में हमने कट किया है, ये 250 ग्राम मशरूम है जिसको हमने इस तरह से स्लाइसेस में कट किया है, तो इजीली कुक भी हो जाता है और ये खाने में भी टेस्टी होता है। तो देखिए मशरूम को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से लगातार चलाया हमने, जिससे दूध में अच्छे से उबाल आ गया। ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून और इसको करेंगे मिक्स। और इसको लगातार हम चला रहे हैं ताकि ये दूध फटे नहीं। अब ऐड कर देंगे हम इसमें कसूरी मेथी, हाथों से रगड़ कर। इस मसाले को आप देखें, दूध बिल्कुल सूख गया है और अच्छे से
ये मसाला जो है काफी क्रीमी हो चुका है। आप देख रहे हैं कितना क्रीमी हो गया है और मसाला पक गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। दैट मीन्स कि ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3/4 कप। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्रीमी हमें रखना है इसमें। यहाँ आप चाहे तो दूध अगेन आप ऐड कर सकते हैं और आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने 3/4 कप पानी ऐड किया है। उबाल आते ही हम ऐड कर देंगे इसमें शुगर 1/2 टीस्पून और ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर थोड़ा सा और गरम मसाला। साथ में ऐड कर देंगे हम देसी घी। देसी घी की खुशबू और फिनिश करते हैं हम इसको देसी घी के साथ, तो इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। ऐड कर देंगे कोरिएंडर लीव्स जो एक अलग खुशबू दे देता है इसको। आप देख सकते हैं कि हमारे जो वेजिटेबल है वो बन के रेडी है। कितना यम्मी लग रहा है, देखिए कितने अच्छे से उबाल है और जो ऑयल और घी है वो सेपरेट हो चुका है। ये हमारा रेडी है मलाई मशरूम। आप यहाँ चाहें तो काजू का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये और ज़्यादा रिच हो जाता है तो इसलिए हमने ऐड नहीं किया। तैयार है हमारा मलाई मशरूम, परोस देते हैं। देखिए कितना यमी है, डिलीशियस है ना? तो जल्दी से बना डालिए यमी डिलीशियस मलाई मशरूम। हमें बताइएगा कैसा बना, आप अपने व्यूज शेयर कीजिएगा और बनाइएगा ज़रूर। आपके जो आपने बनाया है रेसिपी उसका पिक शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। हम लाएंगे आपके लिए हमेशा यमी डिलीशियस रेसिपीज। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी मलाई मशरूम कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने व्यूज। हम लाएंगे फिर आपके लिए यमी डिलीशियस रेसिपी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू।